लो दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक न्यू टॉपिक के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोटेस्ट पिटिशन के बारे में प्रोटेस्ट पिटिशन का कहीं डायरेक्ट प्रोविजन नहीं दिया गया है हालांकि इसको एज ए जनरल कंप्लेंट के फॉर्म में फाइल किया जाता है एज द केस में भी बिफोर द कंसर्न मजिस्ट्रेट तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि वट इज प्रोटेस्ट पिटीशन वट इज इज प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द बिफोर द इट्स मजिस्ट्रेट एंड व्हाट आर द ऑफ द फाइलिंग ऑफ प्रोटेस्ट तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के लीगल वीडियोस uh, टॉपिक्स पे आप तक टाइमली टाइम पहुंचते रहे तो आइए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं आज का टॉपिक सबसे पहले बात करते हैं वट इज अ प्रोटेस्ट पिटीशन वेन एन अग्रीव पर्सन और कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पुलिस रिपोर्ट फाइल बिफोर द कंसर्न कोर्ट सच पर्सन में मूव द पिटिशन अगेंस्ट द नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट विच इज़ कॉल्ड द प्रोटेस्ट पिटिशन यानी कि दोस्तों जब भी कोई अग्रीव व्यक्ति या कंप्लेनेंट पुलिस की रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होता है जो कि बिफोर द कंसर्न कोर्ट जो भी उसकी कंसर्न कोर्ट में फाइल की गई है तो वो जो पर्सन है एक पिटिशन मूव कर सकता है उस नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट के लिए और उसी को ही नाम दिया जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन ये भी एक जनरल पिटीशन है और कंप्लेंट की तरह ही होती है ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है इसमें बस जनरल ग्राउंड्स और फैक्ट्स मेंशन किए जाते हैं कि क्यों एक नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट है क्यों पुलिस रिपोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है अकॉर्डिंग टू द एग्रीड पर्सन और कंप्लेनेंट इन सिंपल वर्ड्स प्रोटेस्ट पिटीशन इज रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द विक्टिम टू द कोर्ट ड्यूरिंग और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस अगर हम सामान्य शब्दों की बात करें तो जो प्रोटेस्ट पिटिशन एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि विक्टिम के द्वारा कोर्ट में फाइल किया जाता है और कब किया जाता है या तो इन्वेस्टिगेशन उस केस में कंप्लीट हो चुकी है या फिर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और यह ध्यान देना जरूरी है अ प्रोटेस्ट पिटीशन इज नॉट डिफाइंड अंडर द सीआरपीसी इसका कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी गई है कि प्रोटेस्ट पिटिशन का जनरल मीनिंग क्या होता है जनरल मीनिंग सिर्फ इतना है कि अगर जो भी कोई पर्सन या एग्रीड पर्सन पुलिस के द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो कोर्ट में मूव कर सकता है अपनी एक प्रोटेस्ट पिटीशन को अगेंस्ट द नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट और ये कहाँ फाइल की जाती है जिस कोर्ट में उसका केस चल रहा है विच इज ऑलरेडी एडजुडिकेटिंग अपॉन तो उसी केस में उसी कोर्ट में ये प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की जाती है अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है वेन एन एग्रीड पर्सन कंप्लेन बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन वन फिफ्टी सिक्स थ्री ऑफ द सी आर पी सी द मजिस्ट्रेट आफ्टर बिंग सेटिस्फाइड विद्प्लेट पिटीशन गिवस इंस्ट्रक्शन टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन यानी कि जब दोस्तों जब भी एक सौ छप्पन तीन में जनरली ये कंप्लेन फाइल की जाती है तो उसमें क्या है कि जो मजिस्ट्रेट है वो सेटिस्फाइड होने के बाद पुलिस को इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया अपना इन्वेस्टिगेशन आगे स्टार्ट कर दो और जनरली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पुलिस है अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करती है मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन वन सेवेंटी थ्री सबसेक्शन टू ऑफ सी आर पी सी

का केस फाइल किया गया उसके बाद मजिस्ट्रेट ने कॉग्जेंस लेने के बाद इंस्ट्रक्शन लेने के बाद पुलिस को डायरेक्ट किया कि भैया आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो आप आफ्टर लॉजिंग एन एफआईआर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो उसके बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो है अंडर सेक्शन 173 में सबमिट कर दी लेकिन जब एग्रीव को या कंप्लेंट को लगा कि ये जो पुलिस रिपोर्ट है वो सही से नहीं बनी है या उसमें कुछ फेब्रिकेटेड फॉर्ज हुआ है तो फिर वो इस प्रोटेस्ट पिटिशन को कोर्ट में बिफोर द मजिस्ट्रेट फाइल कर सकते हैं यह मेंशन करते हुए कि क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई नहीं है उस पुलिस रिपोर्ट से एंड एट द सेम टाइम जो एग्रीड पर्सन है वो प्रे कर सकते हैं कि भाई अंडर सेक्शन 200 सौ दो सौ में उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे चलाया जाए अब देखते हैं उनके मेन कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं ऑफ द प्रोटेस्ट पिटिशन तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट में एक्सेप्ट द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द पुलिस एंड में रिजेक्ट द प्रोटेस्ट पिटिशन यानी कि जो मजिस्ट्रेट है या तो वो उसी फाइनल रिपोर्ट को यानी कि जब हमने प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल की है उसका कॉगजेंस लेने के बाद गोन थ्रू के बाद या तो मजिस्ट्रेट जो फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा जो ऑलरेडी फाइल की जा चुकी है पुलिस के द्वारा या फिर उस प्रोटेस्ट पिटिशन को रिजेक्ट करते हुए फाइनल रिपोर्ट ही पुलिस की मानी जाएगी सेकेंड द मजिस्ट्रेट में एक्सेप्ट द फाइनल रिपोर्ट एंड मे ऑल्सो ट्रीट द प्रोटेस्ट पटिशन एज ए कंप्लेट पटिशन एंड प्रोसेस एड अंडर सेक्शन दो सौ एंड दो सौ दो सीआरपीसी जैसे कि हमने कहा कि इसका कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं दिया गया है प्रोटेस्ट पिटन का तो यह तो मजिस्ट्रेट जो फाइनल रिपोर्ट भी एक्सेप्ट कर लेगा और इसी के साथ साथ प्रोटेस्ट पटिशन भी चलती रहेगी एज अ कंप्लेंट फाइल्ड जनरली अंडर सेक्शन दो सौ एंड टू जीरो टू ऑफ सी आर पी सी थर्ड मेन कॉन्सिक्वेंसिस इज द मजिस्ट्रेट में एक्सेप्ट द प्रोटेस्ट पिटिशन एंड रिजेक्ट द फाइनल रिपोर्ट एंड टेक कागनेजेस अंडर सेक्शन वन नाइनटी ऑफ द कोर्ट एंड इशूज नोटिस टू द एक्ूज पर्सन यानी कि दोस्तों इसमें होगा क्या या तो जनरली मजिस्ट्रेट प्रोटेस्ट पिटिशन को एक्सेप्ट कर लेगा और फाइनल रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देंगे और उसके बाद जनरली जो कांगनेजन चलता था वन नाइनटी का ऑफ सी आर पी सी जो उसका प्रोसेस है कि भाई दोबारा से उसको आपको इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन की जाए दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और दोबारा से एक्यूज पर्सन को नोटिस इशू किया जाएगा तो दोस्तों ये था जनरली पर्पस ऑफ प्रोटेस्ट पिटिशन का कि या तो मजिस्ट्रेट उसको रिजेक्ट कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा अगर प्रोटेस्ट पिटिशन को एक्सेप्ट करता है तो फाइनल रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दी जाएगी या फिर अगर प्रोटेस्ट पिटिशन को वो कोर्ट में एडमिट कर लिया गया है नोटिस इशू हो गया है तो उसको जनरल कंप्लेंट जैसे होती है अंडर सेक्शन 200 सौ दो सौ दी में उसके तरह फॉलोअप किया जाएगा तो दोस्तों इधर जनरली मीनिंग ऑफ प्रोटेस्ट पिटिशन कि हम किसे कहते हैं क्या उसका प्रोसेस होता है और क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसिस होते हैं कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटिशन को फाइल करने के बाद तो दोस्तों इधर आज का वीडियो जनरल टॉपिक पे जो कि जनरली लोगों को पता नहीं होता कि प्रोटेस्ट पिटिशन किसे कहते हैं और कब फाइल की जाती है तो जनरली जब भी कोई एग्रीड पर्सन या विक्टिम पुलिस की रिपोर्ट जो फाइल की जाती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उससे अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो कोर्ट में प्रोटेस्ट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस को फ्यूचर में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो